नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में समाज के बीच खाप पंचायतों का रसूख आज भी बहुत ज्यादा है। आम लोगों की यही मान्यता है कि खाप पंचायत सिर्फ जाटों की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाप पंचायत अक्सर गोत्र आधारित होती है, ऐसे में अलग अलग जाति के लोग खाप का हिस्सा होते हैं। हालांकि ज्यादातर ऊंची जातियों के लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन साल 2018 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर अवैध घोषित किया था कि दो वयस्कों के विवाह में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। विवादों की लिस्ट में अभी और भी किस्से हैं, लेकिन इस पर बात थोड़ा रुक कर करते हैं। पहले जान लेते हैं कि क्या है खाप या फिर खाप पंचायत। खा यानी आकाश और आप माने जल, इन दो शब्दों को मिलाकर बना खाप का अर्थ है आकाश की तरह अनंत और जल की तरह सभी के लिए उपलब्ध। अगर ऐसे नहीं समझे तो इसे ऐसे समझिए कि एक समय में खाप एक तरह की सामाजिक न्याय व्यवस्था हुआ करती थी, जिसे एक गोत्र या बिरादरी के सभी लोग मिलकर खाप पंचायत बनाते थे। जब परिवार, गांव या समाज से जुड़ी किसी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता था तो एक बड़े इलाके के लोगों को इकट्ठा करके खाप पंचायत होती थी। हालांकि खाप पंचायत को किसी भी तरह की आधिकारिक या सरकारी स्वीकृति नहीं मिली है। खाप की शुरुआत कब हुई इसका कोई निश्चित डेटा तो नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि खाप शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1890-91 में जोधपुर की जनगणना रिपोर्ट में किया गया था, जो धर्म और जाति पर आधारित थी। खाप पंचायत खास तौर से तीन रूपों में काम करती है। पहला, सदस्यों के बीच विवाद सुलझाने का। दूसरा, ये धार्मिक विश्वास के रूप में काम करती है। और तीसरा, ये पंचायत खाप क्षेत्र को बाहरी समस्या से बचाने का काम करती है। खाप पंचायत अब एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। दरअसल इस बार मामला महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप का है। मामले को लेकर महिला पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इसे लेकर मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में बीते दिनों खाप पंचायत बुलाई गई थी। इस दौरान बालियान खाप पंचायत के मुखिया और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा था कि सरकार याद रखे कि 5 दिन का अल्टीमेटम है, 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। 5 दिन के अल्टीमेटम को लेकर कहानी यह है कि खाप नेताओं ने पहलवानों को हरिद्वार में गंगा नदी में मेडल प्रवाहित करने से रोका था और 5 दिन का समय मांगा था, और इसलिए सरकार को इस मामले पर विचार कर एक्शन लेने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। फिलहाल इस मामले पर पंचायतों का दौर अभी जारी है। खैर, इस पूरे मामले पर खाप पंचायत के सदस्यों का ये कहना है कि वह बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, उस दौर में जब खाप पंचायत द्वारा दिए गए फैसलों में स्थिति इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ करती थी। मामला जुलाई 2010 का है, जब हरियाणा की सर्व खाप पंचायत ने यह फरमान जारी किया था कि लड़कियों की शादी के लिए उनके बालिग होने का इंतजार ना किया जाए, उनकी शादी अब 15 साल में ही कर दी जाए। दूसरा मामला साल 2014 का है, जब मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में ही खाप पंचायत ने एक आदेश जारी करते हुए लड़कियों के जीन्स पहनने, फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया था, और इस बैन को केवल यूपी में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी लागू किया गया। खाप पंचायत का एक और मामला शायद आपको हैरान कर देगा। साल 2015 में बागपत में भाई के अपराध की सजा उसकी 15 और 23 साल की बहनों को देने का आदेश जारी किया गया था। दरअसल उनका भाई एक विवाहित लड़की के साथ भाग गया था, जिसकी सजा उसकी बहनों को दी जा रही थी। इसके अलावा साल 2018 का वो मामला जिसका जिक्र हम वीडियो की शुरुआत में कर चुके हैं। खाप पंचायत में विवाह को लेकर नियम काफी सख्त हैं। ऐसे में कई मामले हैं जिनमें अंतर जातीय विवाह ही नहीं बल्कि पास के गाँव में रहने वाले लड़का या लड़की के बीच शादी होने पर रोक लगाई गई। ऐसे मामलों में परिवार वालों ने ही उनकी जान ले ली। इस मामले में भी खाप पंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो रजामंद वयस्कों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, ऐसे में खाप पंचायत किसी वयस्क को अंतरजातीय विवाह करने से रोक नहीं सकती। पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर खाप पंचायतों का दौर अभी जारी है। अब यहां देखना यह होगा कि क्या खाप पंचायत पहलवानों को न्याय दिलाने में कामयाब होगी या फिर पहलवानों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।